हाँ दोस्तों, आपने अगर रेलवे RPF कांस्टेबल का फॉर्म भरा हुआ है या फिर सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा हुआ है, किसी प्रकार की गलती हो गई हो उस फॉर्म को, तो आप जो है उसमें सुधार कर सकते हैं। आपको जो है एक डेट देख दिया गया है, 15 मई से लेके आप जो है 24 मई के बीच में आपको कोई भी सुधार करना है तो आप उसे सुधार सकते हैं। ये आपका एक लास्ट आखिरी मौका है, इसके बाद करेक्शन नहीं होगा। तो अपना सावधानी पूर्वक फॉर्म को लॉगिन करें और उसके बाद जो है आपको यहाँ से करेक्ट कर लेना है जो भी गलती है। आपको हम बता दे रहे हैं किस तरह से करना है। यहाँ पे आ जाना है आपको, ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है, rrbapply.gov.in। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, अप्लाई पे देन यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट तो करना नहीं है, आपने पहले ही किया होगा। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इस पे आपको क्लिक करना है। देन आपके पास यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल और पासवर्ड जो आपने फॉर्म भरते समय डाला होगा उसे यहाँ से डाल देना है। तो हम इसको फटाफट भर के जो है लॉगिन कर देते हैं। यहाँ पे हम ID पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। ये हमारा जो है फॉर्म जो है खुल जाएगा। देन यहाँ पे हमें आ जाना है इस पे, देन आपको दिखेगा एप्लीकेशन हिस्ट्री। एप्लीकेशन हिस्ट्री पे आपको आ जाना है, क्लिक करके देन आपको यहाँ पे फॉर्म दिख जाएगा। ये फॉर्म आपका सक्सेस हो चुका है और यहाँ पे आपको आई बटन दिख रहा है। तो इस पे आई बटन पे क्या है, आपका जो है फॉर्म को देख सकते हैं। अगर कोई चेंजेस करने हो तो आप यहाँ से जो है मॉडिफाई पे क्लिक करके आप जो है अपना फॉर्म जो है चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मॉडिफाई करने के लिए आपको जो है ₹250 का जो है चार्ज लिया जाएगा, जो कि रेलवे द्वारा जो है फॉर्म मॉडिफिकेशन का ₹250 निर्धारित की गई है। दोस्तों, इस तरह से आप अपना फॉर्म कुछ को कोई गलती हो गई तो इसे जो है आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।